हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज संडे है एंड हाँ, मैंने आज ये इयर रिंग पहना है जो मुझे स्वाति ने गिफ्ट किया था। तो थैंक यू स्वाति, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं येलो चिली रेस्टोरेंट। एक्चुअली लास्ट वीक जब हम लोग जुनून गए थे, देन वन ऑफ माय सब्सक्राइबर ओनली टोल्ड मी कि एडिसन पे इट सीम्स संजीव कपूर का एक रेस्टोरेंट है। आई थिंक सो संजीव कपूर हैज़ अराउंड 4 रेस्टोरेंट्स इन USA, जिसमें ये एक वन है द येलो चिली। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे खाने, एंड मैं बोलूंगी कि रेस्टोरेंट का खाना कैसा है। एक्चुअली एडिसन हम लोग बहुत बार जाते ही रहते हैं, क्योंकि मैं अपना लाइक जो इंडियन ग्रोसरी शॉपिंग है मंथली, जो मैं सब खरीदती हूँ राइस एंड ऑल, मैं वहाँ एडिसन से ही खरीदती हूँ। पर हम लोग सैटरडे जाते हैं, सैटरडे हम लोग खाते हैं वेज, तो इसीलिए आज तक कभी भी हम लोग एडिसन पे बहुत कम ही हम लोगों ने नॉन वेज खाया है। तो हम लोगों को लगा चलो लेट्स एक्सप्लोर इट। एंड द रेसिपीज़ नहीं सॉरी द मेनू हम लोगों ने देखा वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऐसा देख के लग रहा था कि एंड रिव्यूज़ भी लाइक अच्छे ही है, ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं है जितना मैंने देखा है, एंड मोस्ट ऑफ देम वेर गुड ओनली। तो चलिए लेट्स गो एंड लेट्स सी कैसा होता है येलो चिली रेस्टोरेंट का खाना। अभी संजीव कपूर तो वहाँ पे डेफिनेटली खाना नहीं बनाते, बट डेफिनेटली कुछ तो उनके स्टाइल का कुछ होगा। एंड आई एम श्योर हम लोग सभी जब लाइक ZTV पे एक प्रोग्राम आता था, अभी जो लोग मेरे ज़माने के हैं, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन खाना खजाना। एंड मैं वो बहुत देखती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे संजीव कपूर। इनफैक्ट जब मैंने लाइक व्हेन आई न्यूली गॉट मैरिड ना, तब एक सबका रहता है ना खाना बनाना अलग अलग स्टाइल में, तब फर्स्ट मैंने एक बुक खरीदा था, वो संजीव कपूर का ही बुक था। एंड मैं वो बुक देख के, मैंने किताब देख के मैंने बहुत सारा खाना बनाया था, तो जो बहुत ही अच्छा अच्छा एक्सपेरिमेंट में मैंने किया था। अभी कितना अच्छा हुआ था मेरा खाना, वो तो मेरे मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि तब मेरे हबी में जो भी बनाती थी सभी बोलते थे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो हम लोग निकल चुके हैं हम लोग के घर से, इट्स लाइक हम लोग के घर से एडिसन इट्स अराउंड 62 miles, तो एक घंटा हम लोग को लगेगा जाने में। एंड आज मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने अपना नेचुरल मेकअप जो मैं करती हूँ, दैट इज काजल एंड लिपस्टिक, वही लगाया है। एंड मैंने यहाँ पे ना बहुत सारे हाई ब्रांड्स के भी मैंने काजल यूज़ किया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस टाइम आई वेंट टू इंडियन एंड मैंने वो लैक्मी का आइकॉनिक काजल खरीदा था। तो मुझे लगता है लैक्मी का काजल इज फार मोर बेटर देन ऑल दिस टॉप ब्रांड एंड ऑल जो वो लोग का यहाँ पे मिलता है। तो इस बार जब मैं इंडिया जाऊँगी, मैं और थोड़ा काजल खरीद के लेके आ जाऊँगी। एंड हम लोग संडे एक्चुअली बहुत कम हम लोग बाहर निकलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग घर पे ही रहते हैं, क्योंकि राय को भी थोड़ा पढ़ाई में देखना पड़ता है। पर ये फ्राइडे नाइट से ना माई हबी इज़ वर्किंग लाइक क्रेजी। फ्राइडे सैटरडे कल भी हम लोग गए थे, आने के बाद फिर ही स्टार्टेड वर्किंग, आज सुबह से वो काम कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, क्योंकि हर वक्त इट्स नॉट गुड टू टेक सो मच स्ट्रेस। एंड वो ऐसे उनका एक काम नहीं होगा ना, ही विल बी कीप ऑन डूइंग लाइक बहुत ज़्यादा वो वर्कहॉलिक है। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं एंड पता नहीं यार ये रेस्टोरेंट कैसा होगा। हम लोगों ने अभी फ़ोन किया था, मुझे लगा कि चलो हम लोग बुक कर देते हैं, तो इजीली हम लोगों को मिल गया बुकिंग 1:30 पे। तो ही वॉज लाइक अभी इतना वो लोग का मतलब अभी देख के ही पता चलेगा कितना इज इट क्राउडेड और नॉट, एंड क्राउडेड नहीं भी हो सकता ऐसा कुछ नहीं है। एंड हम लोग पहुँच जाएंगे आई थिंक सो विद इन 20 minutes लगभग, या विद इन 20 minutes हम लोग पहुँच जाएंगे। एंड हाँ, इस वीक है मेरा एनिवर्सरी एंड अभी तक मुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं मिला है। पता नहीं, मुझे तो लगता है इस बार मुझे कुछ गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो फाइनली अब जाके हम लोग पहुँचे, एंड पहले ना हम लोग को GPS एक दूसरी जगह लेके चला गया था, जहाँ पे आई डोंट नो व्हाट डिड ही सी, वहाँ पे सिर्फ रेसिडेंशियल एरिया था, तो वहाँ पे हम लोग को घूम के आना पड़ा। तो यहाँ पे है येलो चिली।
रेस्टोरेंट इज नॉट दैट मच बिग, बट हाँ इट इज नीट एंड क्लीन, मैं वो ही बोलूंगी। तो ये रहा मेन्यू एंड बहुत सारे दे हैव लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ कॉकटेल मॉकटेल एंड मैंने गंगा जमुना एक ड्रिंक लिया था। सो हियर आर द सूप्स एंड दिस इज हिज स्पेशलिटी। तो फर्स्ट हम लोगों ने ड्रिंक लिया था, राय ने बटरस्कॉच मिल्क शेक लिया एंड मैं जैसे बोल रही थी आई टू गंगा जमुना एंड मेरे हबी ने जलजीरा लिया था। देन कम द एपेटाइजर जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेन कोर्स ले लिया था। ये एक ब्रेड बास्केट है जिसने इतने सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ ब्रेड है। मेरे हबी ने लिया था नल्ली रोगन जोश एंड ये है गोश्त दम बिरयानी। खाना खत्म एंड अभी आ गए एंड अभी चलिए बात करते हैं येलो चिली के बारे में। तो द फूड वॉज गुड। फर्स्ट हम लोगों ने क्या लिया था, या राय टूक ए बटरस्कॉच मिल्क शेक। मैंने एक ड्रिंक लिया था गंगा जमुना जिसमें लाइक आई थिंक सो ग्रेप फ्रूट और एक फ्रूट का मिक्सचर था एंड मेरे हबी ने लिया था जलजीरा। तो द ड्रिंक वॉज गुड, बहुत ही अच्छा था, तीनों ड्रिंक अच्छा था। देन द मेन कोर्स ने एपेटाइजर्स में हम लोगों ने लिया था एसॉर्टेड कबाब लाइक नॉनवेज, जहाँ पे था अमृतसरी मछली, फिर दो दो पीस करके था शिक कबाब, हरियाली चिकन। तो दैट वॉज रियली गुड, वो लोग ने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी किया था एंड वो खाने में बहुत अच्छा था एंड वो खा के हम लोगों का पेट लाइक पूरा भर गया। फिर मेन कोर्स में हम लोगों ने इतना सारा आज खाना लिया था ना, अभी हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, राय को ना इट्स वेरी कॉमन, जो लोग यहाँ पे रहते मोस्ट ऑफ यू विल एग्री कि यहाँ के जो बच्चे हैं ना दे ऑल आर क्रेजी ओनली अबाउट बटर चिकन मसाला एंड राय ज्यादा लाइक शी कैन हैव टू मच स्पाइस एंड ऑल। तो कहीं पे भी जाती है ना उसको बहुत ही वो प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ भी हो उसको स्पाइसी लगता है। तो इफ यू गो टू एनी इंडियन रेस्टोरेंट वो सिर्फ बटर चिकन मसाला ही ऑर्डर करती है। तो राय ने ले लिया बटर चिकन मसाला, देन माई हबी ही टुक दैट नल्ली रोगन जोश लाइक दिस ऑल रेसिपीज वेल लाइक उसने संजीव कपूर ने लिखा था कि दिस ऑल आर हिज स्पेशलिटी रेसिपीज। तो हम लोगों ने वो ही लिया, बटर चिकन भी उसने लिखा था कि वो स्पेशलिटी है। देन वी टूक द रोगन जोश एंड फिर मैंने क्या गोश्त दम बिरयानी लिया था, वो भी दैट वॉज वन ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ द रेस्टोरेंट। एंड फिर वो लोग ने माई हबी एंड राय दे टूक एसॉर्टेड ब्रेड्स यानी ए कॉम्बिनेशन ऑफ लच्छा पराठा, फिर गार्लिक नान, प्लेन नान। तो बहुत सारा खाना हो गया था। अभी चलते हैं खाना के बारे में। तो नल्ली गोश्त बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी मैं जैसे बोलती हूँ ना मुझे इतना ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं है, कोई भी रेस्टोरेंट में होता है ना बहुत ज़्यादा ऑयली दे देता है, ज़्यादा ऑयली नहीं था, परफेक्ट था, सॉल्ट एंड ऑल भी ज़्यादा नहीं था, ओवरऑल इट वॉज वेरी गुड। फिर राय ने लिया था बटर चिकन, वो भी अच्छा है, वो तो अभी उसने सिर्फ इतना खाया तो फुल एवरीथिंग वी ब्रॉट होम। फिर मैंने लिया था बिरयानी, मुझे बिरयानी इतना पसंद नहीं आया, दैट कैन बी यू नो टेस्ट डिफर करता है ना, मुझे वो हैदराबादी स्टाइल का बिरयानी है ना जिसमें ज़्यादा स्पाइसेस एंड ऑल होते मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है, तो बिरयानी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया एंड इतना सारा खाना हम लोगों ने खाया ही नहीं। तो जब फिर हम लोगों ने बोला पैक करके दे दो, तो मुझे बिरयानी पैक करके घर पे नहीं लाना था। तो द रेस्टोरेंट के जो लोग लाइक जो लोग एम्प्लॉयज थे ना दे आर वेरी फ्रेंडली एंड बहुत अच्छे, लाइक बहुत कम रेस्टोरेंट में हुआ है कि आप कुछ ऐसा खाना नहीं खाएंगे तो दे विल कम एंड से यू आर क्यों नहीं खा रहे, खाना अच्छा नहीं है क्या। तो जो भी हम लोग खा रहे थे ना एवरी टाइम वो लोग पूछ रहे थे कैसा हुआ है कैसा हुआ है। तो बिरयानी मैंने बोला कि नहीं मैं घर में नहीं लेके जाऊंगी, और ज्यादा भी नहीं था इतना ही था। तो दे वर लाइक क्यों अच्छा नहीं हुआ है क्या, दे वर लाइक आप बताओ अगर अच्छा नहीं हुआ है तो हम लोग शेफ को जाके बोलेंगे, आप बताओ किस क्या आपको खराब लगा। तो मुझे लगा इट कैन बी टेस्ट, मैं जैसे बोल रही थी ना मुझे पसंद है वो हैदराबादी स्टाइल बिरयानी एंड दिस वॉज अ डिफरेंट बिरयानी, ये गोश्त बिरयानी था, दम बिरयानी था।
तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है. तो ओवरऑल द फूड इज वेरी गुड एंड सब कुछ मिला के हम लोगों को प्राइस वी पेड अराउंड $110 विच इज गुड. मैं जैसे लास्ट वीक भी बोल रही थी ना कि यहाँ पे आप कोई भी रेस्टोरेंट में बाहर खाने जाओ, मिनिमम अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट में भी खाने जाओ $80-$90 बिल आता है. आज हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही ले लिया था तो द बिल इज गुड. इट्स लाइक नॉर्मल कोई रेस्टोरेंट का जैसा ही बिल है. अभी रेस्टोरेंट इतना बड़ा नहीं है, मैंने आप सबको दिखाया एंड लोकेशन में यू नो इट्स वेरी वियर्ड. हम लोग को पता ही नहीं था वहां पे एक्चुअली एक सितार एम्पोरियम है तो उसके अंदर में ये रेस्टोरेंट है, इसलिए कभी हम लोगों ने नहीं देखा. वो ही मैं अभी वॉज थिंकिंग कि हम लोग तो एडिसन इतना जाते कभी क्यों हम लोगों ने ये रेस्टोरेंट नहीं देखा. एंड देयर इन दैट रेस्टोरेंट आई मेट वन ऑफ माई सब्सक्राइबर ऑल्सो. एंड बहुत फनी थिंग है कि लास्ट वीक ना मैंने व्हेन आई वेंट टू जुनून रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क तब मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट पे लिखा था कि पायल तुम संजीव कपूर का रेस्टोरेंट ट्राई करो येल्लो चिली, वो एडिसन में इट्स वेरी गुड. सो शी रेड दैट कमेंट एंड आज वो खाने आई थी इस रेस्टोरेंट में तो वो भी खा के बोल रही थी खाना बहुत अच्छा है. खाना डेफिनेटली मैं बोलूंगी हम लोगों के यहाँ के रेस्टोरेंट से तो बहुत ही अच्छा है एंड द प्राइस इज ऑल्सो नॉट दैट मच. लाइक जुनून बहुत ही एक हाई एंड रेस्टोरेंट था, ये इतना हाई एंड नहीं है. That only my hubby was saying कि संजीव कपूर he is like संजीव कपूर तो इतने बड़े शेफ है you know उनको और एक होता है ना एक लाइक बहुत ही थोड़ा ग्रैंड करके ओपन करना चाहिए था. ये बहुत ही एक नॉर्मल रेस्टोरेंट टाइप था बट हाँ द फूड क्वालिटी इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है. तो जो लोग न्यूयॉर्क एडिसन में रहते हैं इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो एंड ट्राई द येल्लो चिली. एंड अगेन बहुत जन मुझसे पूछेंगे, मैं पहले बोल लेती हूँ ये सब कोई भी वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैं कभी भी स्पॉन्सर वीडियोज नहीं करती हूँ. चाहे When I had 2000 subscribers, then भी मैं sponsor videos नहीं करती थी. How much amount of subscribers I will have, but कभी भी मैं sponsor videos नहीं करती हूँ क्योंकि the bill आया है $110 and अगर sponsor video करती तो मैं और ज़्यादा ज़्यादा बहुत कुछ दिखाती भी and मैं अपना honest opinion ही आप सबको दे रही हूँ. बट डेफिनेटली यू कैन गो एंड ट्राई. पर हाँ आज हम लोगों ने ना कुछ भी वेज रेसिपीज ट्राई नहीं किया था. मुझे एक्चुअली कुछ वेज रेसिपीज ट्राई करना था. मैं जहाँ भी जाती हूँ आई ट्राई ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द रेसिपीज. फर्स्ट मुझे लगा कि मैं तावा पुलाव लूंगी, फिर मैंने देखा कि संजीव कपूर ने जो लाइक लिखा है स्पेशलिटी है दैट वॉज द बिरयानी. तो मुझे लगा नहीं मुझे वो लेना चाहिए एंड आज हम लोगों ने स्वीट डिश और कुछ लिया ही नहीं. जनरली हम लोग राय के लिए स्वीट डिश लेते हैं एंड शी वॉज लाइक मम्मी आई एम फुल, मुझे और स्वीट डिश नहीं चाहिए. तो यही था मेरा ओपिनियन अबाउट दैट रेस्टोरेंट. इफ यू ऑल वॉन्ट यू कैन गो एंड ट्राई कर सकते हैं. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड जो लोग एडिसन में रहते हैं. तो अभी मैं बनाऊंगी ग्रीन टी फॉर बोथ ऑफ अस एंड फिर संडे है, मतलब आप सबको तो पता ही है मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है दैट इज कपड़ा प्रेस करना, मैं वो करूंगी. तो जैसे मैं बोल रही थी कि सम नंस एंड बटर चिकन हम लोग लेके आ गए. आप लोग कितने जन संडे कपड़ा आयरन करते हैं कमेंट पे जरूर बताना. दिस इज वन ऑफ द हैबिट जो पता नहीं कितने सालों से है तो अभी राय कर रही है पढ़ाई. एंड मैं जैसे बोल रही थी कि माय हबी इज वेरी बिजी तो वो आके ही इज वर्किंग, तो तीन जने हम लोग कुछ प्रोडक्टिव कर ही रहे हैं अभी. तो संडे का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है दैट इज मेरे लिए कपड़ा आयरन करना. एंड मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मुझे कपड़ा आयरन करना पसंद नहीं, ट्रस्ट में मुझे ना कपड़ा आयरन करना बहुत ही अच्छा लगता है. लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ ए मी टाइम जहाँ पे मैं कुछ ना कुछ ऐसा मूवी लगाती हूँ. टुडे आई वॉज वॉचिंग लाइक मेरा खत्म, मैंने थोड़ा ही जितना देखना था कपड़ा आयरन करने का टाइम उतना देखा. एंड अगर मुझे अच्छा लगता तो मैं और लाइक फुल कंटिन्यू करती. दिस इज पति पत्नी एंड वो ये लड़का बहुत ही अच्छा एक्टिंग करता है कार्तिक कुछ कार्तिक आनंद कार्तिक आई नो बट मुझे लास्ट नेम पता नहीं है. तो आई लाइक हिज एक्टिंग, बहुत ही अच्छा एक्टिंग करता है वो. एंड मैंने फ्लाइट में उसका एक मूवी देखा था दैट वाज क्वाइट फनी, पर ये मूवी मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है. लाइक स्टोरी तो कुछ है ही नहीं एंड कॉमन है ऐसा आई थिंक सो. पति पत्नी और वो पुराना और एक मूवी था तो विच वॉज फनी, ये इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो ख़त्म. अभी मैं इसको बंद कर दूंगी. एंड अभी क्या, अभी तो फिर
संडे नाइट, मतलब मुझे कल के लिए सोचना है कि मुझे क्या देना है लंच बॉक्स पे, वही एक टेंशन रहता है. आई फील सो, मेरे लिए ना सबसे हैप्पी मोमेंट होता है फ्राइडे को, थर्सडे नाइट, क्योंकि फ्राइडे में किसी को भी लंच बॉक्स नहीं देती हूँ. राय हर वक्त फ्राइडे स्कूल में ही खाती है, एंड मेरे हबी को कभी कभी मैं देती हूँ, पर कभी कभी मैं नहीं देती हूँ. तो फिर फ्राइडे ऐसा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे नाइट से फिर वो टेंशन, यू नो, क्या देना है, क्या देना है. तो वही अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या देना है. तो चलो, आई विल मीट यू ऑल टुमारो विद ए न्यू वीडियो. आप लोग सबका वीक डेज बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट हो, एंड बी हैप्पी एंड पॉजिटिव इन योर वीक डेज. सो अंटिल देन, बाय बाय. एंड हाँ, ये वीडियो को एक लाइक, एंड या जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब. बाय बाय.